कोरावट के बालाजी बाग में सनातन धर्म प्रेमियों के तत्वाधान में चल रही सप्त दिवसीय संगीतमय भागवत कथा के अंतिम दिन शनिवार को कथावाचक राधाचरण महाराज ने भगवान कृष्ण की अलग अलग लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ने माँ देवकी के कहने पर 6 पुत्रों को वापस लाकर माँ देवकी को वापस देने सुभद्रा हरण का आख्यान कहना के अलावा सुदामा चरित्र का वर्णन किया। कथावाचक ने बताया कि मित्रता कैसे निभाई जाए या भगवान कृष्ण सुदामा से समझा जा सकता है। सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका पहुंचते हैं। सुदामा ने द्वारकाधीश के महल का पता पूछा और महल की ओर बढ़ने लगे, लेकिन द्वार पर द्वारपालों ने सुदामा को भिक्षा मांगने वाला समझकर रोक दिया। तब उन्होंने कहा कि वह कृष्ण के मृत हैं। इस पर द्वारपाल महल में गए और प्रभु से कहा कि कोई उनसे मिलने आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही द्वारपाल के मुंह से भगवान कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना, सुदामा सुदामा कहते हुए तेजी से द्वार की तरफ भागे। सामने सुदामा शाखा को देखकर उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। सुदामा ने भी कन्हैया कन्हैया कहकर उन्हें गले लगाया। दोनों की ऐसी मित्रता देखकर सभा में बैठे सभी लोग अचंभित हो गए। कृष्ण ने सुदामा को अपने राज सिंहासन पर बैठाया, उन्हें कुबेर का धन देकर मालामाल कर दिया। कथावाचक राधाचरण महाराज ने बताया कि जब भी भक्तों पर विपदा आई है, प्रभु उनका तारण करने अवश्य आए हैं। कृष्ण सुदामा प्रसंग के साथ भागवत कथा का समापन किया गया। इस दौरान सुदामा चरित्र का सजीव झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रही, श्रोता भजन संकीर्तन पर झूम उठे। इस मौके पर बोरावड़, कालवा, रतनपुरा, जाखली, चांडिया सहित आसपास के गांव के श्रद्धालु भक्त मौजूद रहे। श्रीमुट्टी ठाकुर जी बरी रुक्मणी जी हाथ पकड़ियो प्रभु करो कही हो। बोले क्यों रुक्मणी? बोले वैकुंठ बच्चे वो भी देव के। ठाकुर जी के रुक्मणी तू कहीं भूल गई? ये चावल रो दानो सुदामा मन अर्पित करियो। इधर घर में कुछ नहीं हो, एक चावल रो दानो बचे वो भी आज दो दानो भी मन अर्पित कर दियो सुदामा तू बोल गई इधर त्याग ने। रुक्मणी तन कहीं याद आई हे रुक्मणी? सुदामा पूरी संपत्ति लेन आयो है, मैं कई तू बताई। सुदामा जी हाथ जोड़े, अरे भाई, अरे भाई द्वारपाल बताओ, अटे मारो एक मित्र कन्हैयो रे वे आप जानो। द्वारपाल कहो कई नाम बतायो? बोले कन्हैयो। द्वारपाल के अरे माने भगवान ने तू द्वारिका दिश ने तू कन्हैयो कह रही है और बचपन रो मित्र है तारो। बोले द्वारपाल क्यों थारी दशा सो देख, तू भगवान रे नौकर रे लायक भी नहीं है, तू अपने अपने मित्र बता रही है। सुदामा जी हाथ जोड़िया और कहो भाई ते सच कह रही हो, मैं भी वो दास बनने लायक भी नहीं हूँ, पर मेरी कृपा तो देखो वो अपने आप में मारो मित्र बतावे। सुदामा जी कह मैं बड़ी दूर सोचे, आप कृपा कर दो द्वारपाल, एक बार भी कन्हैया का दर्शन करा। वो कोई मांग नहीं, मैं कुछ मांगो नहीं उनसे। द्वारपाल क्यों नहीं 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 चलो जा दसो तारे जेड़ा बहुत आवे। सुदामा जी चरणा में गिर पड़िया द्वारपाल, भाई द्वारपाल मैं जीवन भर जाना गुलाम रह जाऊं भाई, एक बार भी कन्हैया का दर्शन तक करा दो, एक बार भी श्री कृष्ण का दर्शन करा दो द्वारपाल। मैं जीवन में द्वारपाल ने क्योंकि मैं भगवान रे विश्राम में विक्षेप पैदा नहीं करूं, जब रथ जावेला अब मैं दर्शन कर लूला द्वारपाल में जीवन भर गुलामी कर। जी मना कर दियो नहीं नहीं कन्हैया मेरे योग्य नहीं हूं। हे द्वारिकाधीश अथारी राज गद्दी है और मैं एक गरीब ब्राह्मण। अरे सुदामा तू एड़ी बात क्यों कर रही है? सुदामा जी बोलिया कन्हैया मैं योग्य नहीं हूं, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं।
भगवान सुदामा जी ने खूब कह रही है, सुदामा कृपा कर मित्र बैठ जा गद्दी पर, राज गद्दी पर बैठ जा। सुदामा जी हाथ जोड़े, नहीं नहीं लाला मैं नहीं बैठ सकूं, ठाकुर जी चरणा में गिर पड़ी है सुदामा, मित्र कृपा कर दे आज मारी राज गद्दी ने तू पवित्र कर दे, मित्र थारे बैठने सो मारी राज गद्दी पवित्र हो जावे। सुदामा जी हाथ जोड़े, लाला एड़ो अपराध मत कराम, ठाकुर जी के सुदामा कृपा कर मित्र मारी राज गद्दी ने तू पवित्र कर दे, मैं तन नमन कर रही हूँ बारंबार। सुदामा जी सिमटन खड़ा है, महाराज जाने कोई अपराध करन आया है, लाला सभा ने देखो सुदामा जी हिम्मत नहीं पड़ रही है। भगवान ने बारंबार निवेदन करियो कि नहीं कन्हैया, भगवान के नहीं नहीं सुदामा बैठ, और सुदामा जी ने राज गद्दी पर भगवान बैठा आज जोड़ता हुआ, बैठ सुदामा कृपा कर मित्र, और सुदामा जी राज गद्दी पर भगवान जब बैठा महाराज, एक आज भगवान मित्र तारो प्रमाण दिया है, भगवान चरणा में बैठा सुदामा जी रे, भगवान सुदामा जी रा चरण देखिए, और रुक्मणी जी ने कहो कि रुक्मणी कुछ जल ले आओ, मारो मित्र आयो है, मैं जरा चरण तो धो लूं। सुदामा जी रा चरण जुई भगवान, सुदामा जी रा चरण धोन ला गया, जल रो पात्र तो दूर ही रह गयो, भगवान सुदामा जी रा चरण हाथ में लिया है महाराज, भगवान सुदामा जी रा चरणा ने हाथ में लेन देखी, हाथ स्पर्श करियो भगवान, सुदामा जी रा कंकर पत्थर झुबियोड़ा रक्त री धार बह रही है, भगवान सुदामा जी रा चरणों ने देखकर भगवान रा नेत्रों रो आंसू नहीं रुक पायो, भगवान के मारो मित्र इतो कष्ट पायो है, सुदामा जी का चरण भगवान धोने लग गया, सुदामा जी हाथ जोड़े लाला भगवान कहो मित्र आज मने आज सेवा रो मौको मिलियो है, क्यों अलग कर रही है, क्यों मना करे, सुदामा जी का चरण भगवान धोया है, और भगवान आज बता रही है कि भाई मित्रता कही हुई, आज ब्राह्मण रो मान भगवान बढ़ायो है, अपना मित्र भक्त रो मान बढ़ायो है, ठाकुर जी कहो समझ गया कि कुछ तो लेन आयो है सुदामा, भगवान के सुदामा बता तो सही, सुदामा के मित्र कुछ नहीं है, सुदामा जी ने शर्म आ रही है, ले इतनी बड़ी सभा रे मायने में मित्र ने कही दो, ठाकुर जी जो सुदामा जी चावल री पोटली छुपा रिया है, पर चावल री पोटली भगवान देखी, पर सुदामा जी सो छीनने ला गया, सुदामा ला सुदामा ला, ठाकुर जी छीन ली सुदामा रे कन्नो मित्र सुदामा ला, लागे मारी भाभी कोई रस भरी चीज भेजी है, ठाकुर जी देख रही है कुल, सुदामा जी हाथ जोड़े लाला रेउन दे, कोई विशेष चीज नहीं है, कोई विशेष वस्तु नहीं है, सुदामा जी मना करे लाला, सुदामा जी ने लागे सबारे मायने लोग देखेला तो कई कहला, ठाकुर जी जब पोटली खोली तो देखी, बोले देखो तो सही मारी भाभी भेजी कही है, सुदामा जी हाथ पकड़ लियो लाला मित्र नहीं, ठाकुर जी क्यों क्यों सुदामा क्यों मना कर रही हो, सुदामा जी ने लाग लियो कि मारी अपमान ना हो जावे, कच्चा तंदूर लेन आयो मैं राज धीराज रे कने, सुदामा जी हाथ जोड़े लाला बाद में देख लीजिए, बोले नहीं नहीं मित्र देखो तो सही तू लेन ले आयो है, ठाकुर जी पोटली खोली सुदामा जी रहा हटान भगवान देखिया, पर कच्चा तंदुल भगवान ने देखिया, ठाकुर जी कच्चा तंदुल देखकर भगवान के नेत्रों में झरझर आंसू पे आया, भगवान क्यों लागिया सुदामा इतनी प्यारी भेंट लेन आयो और तुम मना कर रही हो, सुदामा जी क्यों लाला प्यारी भेंट गई हो तो बता, भगवान कहो सुदामा एक बात बताऊं, बड़ा दिन सु भूखो हो रे कुछ खायो है, सुदामा जब सु तू कच्चा तंदूल ले निकलियो है तब सु कुछ खायो नहीं, हे सुदामा आज मैंने सबरी ना बेर याद दिला दी तू, हे सुदामा मन मां यशोदा रे माखन री याद दिला दी तू, सुदामा भगवान ने नेत्रों में झरझर आंसू बह आया, भगवान सुदामा जी मना करे मित्र तारे लायक नहीं,
मत्खा सुगा ठाकुर जी मना के सुदामा जी मत्खा ला ला ठाकुर जी कच्चा तंदूर दे के सुदामा बरसोरी भूख है आज शांत करू ला। पिता प्रेम सुया तो मन विदुरानी केला रा छिलका खिलाया थारी राज गद्दी है और मैं एक गरीब ब्राह्मण। अरे सुदामा तू एड़ी बात क्यों कर रही है? सुदामा जी बोलिया कन्हैया मैं योग्य नहीं हूं, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं। भगवान सुदामा जी ने खूब कह रही है सुदामा कृपा कर मित्र बैठ जा गद्दी पर, राज गद्दी पर बैठ। सुदामा जी हाथ जोड़े नहीं नहीं लाला मैं नहीं बैठ सकू। ठाकुर जी चरणा में गिर पड़ी है सुदामा मित्र कृपा कर दे आज मारी राज गद्दी ने तू पवित्र कर दे मित्र थारे बैठने से मारी राज गद्दी पवित्र हो जावे। सुदामा जी हाथ जोड़े लाला एड़ो अपराध मत कराम ठाकुर जी के सुदामा कृपा कर मित्र मारी राज गद्दी ने तू पवित्र कर दे मैं तन नमन कर रही हूँ बारंबार। सुदामा जी सिमटन खड़ा है महाराज जाने कोई अपराध करन आया है लाला। सभा ने देखो सुदामा जी ने हिम्मत नहीं पड़ रही है। भगवान ने बारंबार निवेदन करियो कि नहीं कन्हैया। भगवान के नहीं नहीं सुदामा बैठ और सुदामा जी ने राज गद्दी पर भगवान बैठा आज जोड़ता हुआ बैठ सुदामा कृपा कर मित्र और सुदामा जी राज गद्दी पर भगवान जब बैठा महाराज एक आज भगवान मित्र तारो प्रमाण दिया है। भगवान चरणा में बैठा सुदामा जी रे भगवान सुदामा जी रा चरण देखिए और रुक्मणी जी ने कहो कि रुक्मणी कुछ जल ले आओ मारो मित्र आयो है मैं जरा चरण तो धो लूं। सुदामा जी रा चरण जुई भगवान सुदामा जी रा चरण धोन ला गया जल रो पात्र तो दूर ही रह गयो। भगवान सुदामा जी रा चरण हाथ में लिया है भगवान सुदामा जी रा चरणा ने हाथ में लेन देखिए हाथ स्पर्श करियो भगवान सुदामा जी रा कंकर पत्थर झुबियोड़ा रक्त री धार बह रही है। भगवान सुदामा जी रा चरणों ने देखकर भगवान रा नेत्रों रो आंसू नहीं रुक पायो भगवान के मारो मित्र तो कष्ट पायो है। सुदामा जी रा चरण भगवान धोने लागिया सुदामा जी हाथ जोड़े लाला भगवान कहो मित्र आज मने आज सेवा रो मौको मिलियो क्यों अलग कर रही है क्यों मना करे। सुदामा जी रा चरण भगवान धोया है और भगवान आज बता रहे है कि भाई मित्रता कही हुई आज ब्राह्मण रो मान भगवान बढ़ायो है अपना मित्र भक्त रो मान बढ़ायो है।